글쎄 또 नकली लग रहा है क्या? लेकिन सच में मैं दिल से रो रहा हूं। ये बहनचो आंसू क्यों नहीं आ रहे मेरे? लगता है झांट भर के बच्चों को बच्चा करता देख मेरे आंसू ने भी सुसाइड कर लिया है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बढ़िया होगा क्या कि बोलू का फेस रिवील है, जो कि हमारे युवान को आप देख लोगे तो हम तो बहुत एक्साइटेड है कि आप हमारे बेबी को देख लोगे। खैर एक लाइक तो बनता है इसकी हिम्मत पे। ऑब्वियसली मेरे वीडियो पे यार। कोई तरीका है भीख मांगने का? देखो हिम्मत तो है लड़के में, मतलब मेरे जैसे 30 साल के लौंडे शादी करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं और इन्होंने बाल विवाह कर लिया। और विवाह तो विवाह, बच्चे पैदा कर लिए और अब ऑनलाइन मुंह दिखाई की रस्म चल रही है। अच्छा और शकल तो देखो मासूमियत कैसे टपक रही है। और ये पता है बच्चे कैसे होते हैं? मतलब डायपर पहनने की उम्र में अब ये लोग डायपर चेंज करेंगे। भगवान है कहाँ रे तू। तो गाइस मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ आपको युवान को दिखाने के लिए। तो हम तो बहुत एक्साइटेड है कि आप हमारे बेबी को देख लोगे। अबे इतना एक्साइटेड तो गोलू नहीं था बाहर आने को, जितना एक्साइटेड ये है उसका फेस रिवील करने को। वो क्या है ना कि मुंह दिखाई सिर्फ मुंह दिखाई नहीं है, कंटेंट है कंटेंट। और कंटेंट इक्वल टू व्यूज और व्यूज इक्वल टू गाइस ये देखो अभी गोलू का फेस रिवील ऐसे करना है। सिर्फ ये डब्बे का ढक्कन उठाया और आपको गोलू दिख जाएगा। और बच्चे को गिफ्ट रैप करके ला रहे हैं। तो भाई बच्चा है, कोई पार्सल नहीं है भाई। ये कैसी ग्रैंड एंट्री हुई? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। ये सीधा सीधा चादर हटा के उसका फेस रिवील नहीं कर सकते थे। वो क्या है ना रिद्धि सहवाग का स्वैग खत्म हो जाता, इसलिए इन्होंने बच्चे को गिफ्ट रैप कर दिया। और हाँ सहवाग रिद्धि का बेबी है तो ऐसे ही थोड़ी चद्दर उठाएंगे और आपको फेस दिखा देंगे, कुछ तो अलग होना चाहिए। तो हो गया ना फैसला, तो फाइनली वो दिन आ गया कि हमारे आपको गोलू को दिखाएंगे। ऐसे उठाएंगे हम दोनों और आपको गोलू दिख जाएगा। और अब देखना डब्बा खुलेगा और चमत्कार निकलेगा। भाई मैं रूड नहीं हो रहा हूँ, वो चमत्कार ही है। क्योंकि जिस उम्र में बच्चे स्वयं की सेवा करना सीखते हैं, स्वयं सेविक बनते हैं, उस उम्र में लड़का बाप बन गया। पहले तो ये बताओ मेरे को डब्बे में पैक करने का आइडिया किसका था? मैं नहीं बताऊंगा। और ये लोग बच्चे का फेस रिवील कर रहे थे या किसी आइटम के अनबॉक्सिंग? देखो इसके अंदर एक बच्चा निकला है, उसके नीचे एक चादर बिछी है और इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है, पूरे तरीके से गिफ्ट रैप हो रखा है। और 11 मिनट का वीडियो बना दिया सिर्फ फेस रिवील करने को। लिटरली वीडियो में उसके अलावा कुछ था ही नहीं, सिर्फ कुछ कुछ ये सो वो। साला व्लॉगर का ये सही है, 10-11 मिनट का वीडियो तो ऐसे ही बन जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये उठ गया है, अब ये हक क्या आ गया, अब ये उसे खाएगा, मतलब खाना खाएगा। चल झूठा। और इनके थंबनेल टाइटल पीयूष गिर गया पानी में, ये पीयूष ने क्या कर दिया? अबे हम रिद्धि सहवाग की बात कर रहे हैं। माफ करिए गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। वैसे इनके टाइटल भी ऐसे होते हैं, रिद्धि को आज गोल गप्पे खाने का मन हो रहा है, आपकी भाभी आज पहली बार स्कूटी चलाएगी। पर तो चलाएगी तो चलाओ ना, हमको क्यों बता रहे हो गोल गप्पे खाने? खाओ भाई, हमें भी खाने होते हैं, हम तो नहीं डालते। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं। और इनकी लव स्टोरी लाइट स्पीड से फास्ट है, मतलब जितना फास्ट बोलने मेरी जुबान लड़खड़ा रही है उतने टाइम में तो इन्होंने बच्चे भी पैदा कर लिए। लव एट फर्स्ट साइट है लड़के का, मतलब जिस उम्र में हम शक्तिमान देख के फक फक कर रहे थे इन्होंने इन्होंने शादी कर ली। और जितने टाइम में इनकी शादी हो गई उतने टाइम में तो हमें लड़की को देखने के बाद ये सोचने में लग जाता था कि इससे बात कैसे करें, क्या बोलें। सिलाई मशीन चलानी आती है? नहीं क्यों? वो तुमसे बात करने में मेरी फटके चार हो गई है। चूतिया आ गया लाइन पर, पता नहीं कौन हूं। मुझे लगता है इसीलिए एकता ने शक्तिमान बंद करवाया और उल्लू और ऑल्ट दिखा दिखा के बच्चों को वक्त से पहले जवान कर दिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो हम फर्स्ट टाइम रिवर फ्रंट पे मिले थे हम दोनों, मैं और मेरे दोस्तों भी घूमने गए थे और मैं भी वहाँ ही थी। जैसे कि इन्होंने हम दोनों मैं और मेरी फ्रेंड्स सब घूमने गए थे और ये भी उनके फ्रेंड्स के साथ घूमने आए थे। मतलब मैं और मेरे दोस्तों उधर घूमने गए थे और मैंने हम थोड़ी देर घूमे उधर, फिर मैंने उसको देखा थोड़ी देर बाद और मेरी नजर उस पे गई तो मेरे थोड़ी देर तो मैंने उसको देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, नंबर एक्सचेंज हुए, कुछ दिन बातें हुई, फिर मिले। अच्छा घर में बताया
लड़की को डांट पड़ी, उसके बाद घर वालों ने हाँ बोल दिया, ठीक है, फिर लॉकडाउन लग गया, दोनों आपस में मिल नहीं पा रहे थे, तो लड़के को बहुत चुल्ल हो रही थी, तड़प हो रही थी उससे मिलने की, तो लड़के ने बोला शादी कर लेते हैं, तो दोनों ने शादी कर ली और अब बच्चे कर दिए। समझ गया। अब आपको लग रहा होगा कि इनकी स्टोरी मैं क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने सुनाई थी, वो स्टोरी सुनाने के लिए इन्होंने एक 20 मिनट का वीडियो बनाया था, जिसमें पहले लड़का बोलता है, फिर वही बात लड़की बोलती है, फिर दोनों एक साथ बोलते हैं, फिर दोबारा लड़का बोलता है, फिर दोबारा लड़की बोलती है, फिर दोनों एक साथ बोलते हैं, मतलब बार बार वही बात किए जा रहे थे। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इनकी पब्लिक इनको बर्दाश्त कैसे कर रही है। मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता जब कोई कहानी के बीच में इधर उधर की बातें करने लगे। तो भाई तेरी कहानी सुनने को बैठा हूँ, तू अपनी कहानी सुना, अब मैं क्या करूंगा इस बंदे के बारे में जान के, उससे मेरा क्या फायदा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग आजकल के निब्बा निब्बियों के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, जब ये लोग इतनी कम उम्र में शादी कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। चलो ये तो बच्चे थे, इन्हें तो जवानी का जोश था, इनके पेरेंट्स को क्या हुआ था, उन्होंने इन्हें समझाया क्यों नहीं, उन्होंने ये सब अलाउ कैसे कर दिया। अबे यही बात अगर मैं अपने पेरेंट्स से कह देता कि मुझे शादी करनी है, तो मेरे पिताजी मुझे मारते मारते पूरे मोहल्ले में घुमाते और सबको मेरे मुंह से सुनवाते। मैं धोखे से निकल गई आज, मैं मरी जाऊंगा भगवान बचाओ मेरी मम्मी मेरी बाज। हाँ, इस लड़के को बस ये फायदा है कि इससे कोई नहीं पूछेगा और भाई शादी कब कर रहा है, क्योंकि हमारी उम्र में आते आते तो कोई भी मुंह उठा के पूछ लेता है, हाँ भाई शादी कब कर रहा है। और कुछ लोग तो ये भी बोल देते हैं, भाई शादी कर ले इसी बहाने तेरी दावत खा लेंगे। अबे भाई तुम्हें पार्टी चाहिए तो सीधे बोलो ना, मेरी शादी क्यों करवाना चाह रहे हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और मैं अपना रोना इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि जो हमारी जनरेशन है, मेरी वाली जनरेशन, इस जनरेशन में कोई भी एकदम से हिम्मत नहीं करता शादी करने की, और जो ये नई जनरेशन है उल्लू और ऑल्ट वाली, इनको अलग ही जमाने का जोश है, इन लोगों को पता नहीं क्यों शादी करनी इतनी कम उम्र में। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। देखो वीडियो बनाने का मकसद किसी को सही या गलत दिखाना नहीं था, बस एक क्वेश्चन पूछना था कि अगर इसी तरीके से लोग इतनी कम उम्र में शादी करते रहे और व्लॉगर बनके सबको दिखाते रहे और लोग उन्हें सपोर्ट भी करते रहे, तो आने वाली जनरेशन के लिए क्या एग्जांपल सेट होगा, कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें।